शालोम, मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो। आज हम कलाम हक से बेटे की रूह यानी स्पिरिट ऑफ सन के विषय में सीखने जा रहे हैं। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस यानी खुदा बाप का रूह यानी पाक रूह यानी पवित्र आत्मा कुद्स निकला है कदूस से, और कदूस है पवित्र। कदूस इब्रानी शब्द है जिसका मतलब है पवित्र, रूह है आत्मा, और रूहुल कुद्दस यानी पवित्र आत्मा जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार, यहाँ पर यशुआ बाप से दरख्वास्त करेंगे तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है, यानी एक इंसान की अपनी रूह है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा यानी खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, यानी बेटे के सिवा कोई दूसरा बाप को नहीं जानता, और बेटे की रूह है और वो ही हमारे दिलों में यशुआ मसीह के नाम में आती है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। खुदा जो है वो बेटा जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा यानी बीच रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है यानी पवित्र आत्मा से है, खुदा के पाक रूह से है। वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यस्सु रखना। अपने बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की नस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, जिस्म के एतबार से यस्सु दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीजगी की रूह के एतबार से यानी मसीह के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो, और खुदा की रूह नबी की रूह नहीं, खुदा की रूह है बेटे की रूह। खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो, और हम आज भी झूठे नबियों का हवाला यूज़ करते हैं, लेकिन जो नबी थे वो यूहन्ना तक ही रहे, उसके बाद बेटे की रूह काम कर रही है। खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यस्सु मसीह मुजस्सिम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यस्सु का इकरार ना करे, क्योंकि यस्सु का इकरार वो ही रूह कर सकती है यानी बेटे की रूह, और जो कोई रूह
यस्सू का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालफ मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया की सी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम्हें इस पर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यस्सू मसीह के मुजस्सिम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है। खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रिवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हकूमत और इख्तियार का सिर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकतूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर मुआफ़ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमाला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया, और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गई, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वो ही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाची मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद कराएगा तो तुम वाकई आजाद होगी। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने ताई नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाची वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मलके सिद्क के तारीके का अब तक काहिन है। उसने अपने
बा शरीयत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमान बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमान बरदारों के लिए अब्दी नजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मालिक सिद्दक के तरीके के सरदार काहिन का किताब मिला, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो, फजल की सुनो, सच्चाई की सुनो, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यशुआ की मार्फत पहुंची। बस यस्सू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। जो कोई इकरार करता है कि यस्सू खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जिसका ये ईमान है कि यस्सू ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फरजंदों से भी मोहब्बत रखते हैं, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्म पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है यस्सू खुदा का बेटा है, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर, बेटा जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना कि बेटे। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है अगरचि वो सबका मालिक है, मगर उसमें और गुलाम में फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरप्रस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, और जिसमें बेटे की रूह जिसके दिल में है वो अब्बा यानी ए बाप कह कह कर पुकारती है। बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी जो अब्बा यानी ए बाप कह कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए,
और रास्तबाज भी ठहरे। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावन यस्सु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावन यस्सु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, और मुकाशफा की रूह है। तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत रुपए की दौलत नहीं, पैसों की दौलत नहीं, गाड़ियों, घरों और आईफोन की दौलत नहीं, जलाल की दौलत। और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, उसके बुलाने की उम्मीद ये है कि उसने हमें मसीह यस्सु के वसीले बेटा कहा, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाबीतों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी ही के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनती जाती है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के हुक्मों के सबब नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यस्सु मसीह की मार्फत हम पर इफ़रत से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरा कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। तो मसीह का खून जिसने अपने बाप को अजाली रूह के वसीले खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमान बरदार होने और यस्सु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं, फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं, बेटे हैं, तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती। और रूह कब मदद करती है कमजोरी में? जब हम दुआ करने के लायक नहीं होते, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफात करती है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों को परखने वाला जानता है। ये नहीं कि मुंह से अब्बा अब्बा ए बाप कहने से नहीं, क्योंकि कुछ लोग मुंह से तो खुदा का आदर करते हैं लेकिन उनके दिल उससे दूर है, क्योंकि उनके दिलों में बेटे की रूह नहीं, उनके दिलों में मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत जो खुदा की तरफ से भेजी हुई है। इसीलिए कलाम कहता है कि बेशक आप जुबान से इकरार कर रहे हैं अब्बा यानी बाप कह कह कर पुकार रहे हैं, लेकिन
और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफात करता है। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाची तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तो मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो। तो ये हमने कलाम में से सीखा, बेटे की रूह, स्पिरिट ऑफ सन।